शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल और कन्याशाला छात्रावास में बुधवार को मोहना थाना प्रभारी गजेंद्र धाकड़, पुलिस वाला ब्यूरो चीफ ग्वालियर रईश खान ने गणमान्य नागरिकों के साथ छात्र और छात्राओं की समस्याएं सुनी, जिसमें काफी बच्चे और बच्चियों ने बताया उन्हें समस्याएं इस प्रकार हैं कि शासकीय स्कूल के गेट पर गंदगी बहुत रहती है। शाम के समय कुछ लड़के हॉस्टल के बाहर आ जाते हैं, गंदे कमेंट करते हैं और फिल्मी स्टाइल में बोलते हैं, ओए नंबर देके जा, छेड़खानी करते हैं, कोचिंगों के बाहर मोटरसाइकिलों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, परेशान करते हैं, जिस पर थाना प्रभारी मोहना गजेंद्र धाकड़ ने जल्द ही समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन उन बच्चियों को दिया है। अब देखना होगा कि कब तक थाना प्रभारी बच्चों को दिए गए वादों पर खरे उतरेगा और कब तक समस्याओं को दूर करेंगे। किस प्रकार क्या क्या समझाइश दी गई है इस बारे में आप बताइए। हमारे जिले के कप्तान सिंह, पुलिस अधीक्षक महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारियों का उनके द्वारा हमेशा से कहना रहा है कि आप पब्लिक के बीच में जाइए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उनका समाधान करिए। तो उसी उन्हीं के आदेश के निर्देशन के पालन में मैं आज इस हायर सेकेंडरी स्कूल में आया हूँ, बच्चों के सामने में उनके समक्ष में उनकी समस्याएं सुनिए और जिस प्रकार की उन्होंने जो भी समस्याएं बताई हैं उनको मैंने नोट किया, उनका समाधान भी करूँगा। और इसके अलावा जो मुख्यतः हमारे ट्रैफिक नियम जो भी रहते हैं एवं महिला संबंधी जो भी समस्या रहती है उन पर विशेष कर मैंने फोकस करके लोगों को बताया है और उसके संबंध में जो भी कानून है उनके संबंध में मैंने बच्चों को समझा दिया। सर, ये बच्चों ने किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने रखी हैं हम जानना चाहेंगे। बच्चों के द्वारा कई प्रकार की समस्याएं बताई हैं, जैसे कुछ बच्चियों के द्वारा बताया गया है कि वो जब स्कूल आती हैं या जाती हैं तो उसमें कुछ बच्चे या कुछ लोग छींटाकांची की शिकायतें उनको मिली हुई है, जो भी लड़के उनको रास्ते में होते हैं उन पर कोई भी कमेंट्स करते रहते हैं। उसके अलावा यहाँ शौचालय संबंधी जो वहाँ पे स्कूल के गेट के सामने कोई भी लोग शौच करके चला जाते हैं उनके संबंध में समस्याएं बताई हैं। उसके अलावा उनके द्वारा जो जुआ एवं सट्टी संबंधी भी कुछ समस्या मेरे को बताई है उनको भी मैं उनको समाधान करने का आश्वासन मेरे द्वारा दिया गया है। सर, कुछ बच्चियों द्वारा बताया गया था कि ट्रैफिक संबंधी बहुत समस्याएं आती है, हमने कुछ लोग करके बैठे हैं, इस बारे में आपका विशेष क्या अभियान रहेगा, क्या करेंगे आप, क्या करोगे? अतिक्रमण एक वैसे तो ये मोहना कस्बे की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे ज्यादातर क्या है रेस्क्यू वाली जगह नहीं है, पूरे पट्टे की जगह है, तो यहाँ पे मुख्य जो समस्या है ये जमीनी संबंधी शिकायतें प्राप्त होती है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे नए नए रोड का निर्माण हो रहा है, तो जैसे ही उस रोड का निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ की जो भी नगर पंचायत या ग्राम पंचायत की जो भी पदाधिकारीगण होंगे उनसे चर्चा करके कि स्थान है जो भी ठेले वगैरह होंगे उनको निश्चित कर दिया जाएगा, एवं जो दुकानदार हैं जिनके सामने ट्रैफिक या उस समय संबंधी समस्या रहती है वाहन खड़ी कर लेते हैं उनको भी इस संबंध में हिदायत दी जाएगी। सर, कुछ बच्चियों ने बताया था कि कोचिंग से वो निकलती हैं तो कुछ बच्चे परेशान करते हैं, गाड़ियां उनके आगे पीछे लगा दें, इस पर क्या क्या कार्रवाई करेंगे आप? इसके जो भी है हम इनको बिल्कुल ब्रीफिंग कराएं, अपने लड़कों को जो भी अपना फोर्स है उनको इन स्थानों पर खड़े करवाएंगे, अपन वहां जाके अगर ऐसी समस्याएं या कोई लड़के खड़े होते हैं उनको अपन